तो हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है पासो गेमिंग पर। और आज की वीडियो में भाई हम वो गेम खेलने जा रहे हैं जो हमारा होमीज वाला गेम है, मतलब जो हमें माफिया वाली फील देता है, जो हमें माफिया बना देता है और जो हमें वो सारी फ्रीडम देता है जो हम अपनी असल ज़िंदगी में करना चाहते हो। और भाई समझ गए होगे अब तक, अगर नहीं समझे हो तो मोहब्बत यार, मोहब्बत का नाम सुना है? यही है भाई, इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ बताओ, इसके बारे में कौन ऐसा है जो नहीं जानता हो भाई। इसके सिर्फ ट्यून सुनते हैं अगर 90s वाले ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। इतना ज़बरदस्त, इतना उस एरा का एक ऐसा गेम हम खेलने जा रहे हैं जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है भाई, बहुत ज़्यादा कम है। और क्या बताऊँ मैं, तो आज हम कंटिन्यू कर अपना चीटी और ट्रायलॉजी का दूसरा गेम, चीटीए सैन एंड्रियास, इसको हम बोल सकते हैं द लेजेंडरी GTA San Andreas। और हाँ, ये डेफिनेटिव एडिशन होने वाला है। तो मैंने पहले अभी GTA Vice City ट्राई किया था और अब GTA San Andreas ट्राई करते हैं। तो थोड़ा सा भाई इसका भी इंट्रो वगैरह देखेंगे। मैंने कहा था कि अब गेम खेलना बंद, अब गेम जो है वो हम जीना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इन सारे गेम्स को फिर से जीना चाहते हो तो बने रहना भाई हमारे चैनल पर, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। और पुराने सारे गेम्स उठाएंगे और नए भी बहुत सारे गेम्स उठाएंगे और उनके साथ में इतना तगड़ा गेम प्ले करेंगे। और भाई बीच जो ट्यून बज रही है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इसको हटाने का। और बस भाई क्या बोले, मन करता है कि बस चलती रहे चलती रहे और ऐसे ही बचती रहे। और भाई ये गेम जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला भाई। इसका नाम और इसका कुछ भी बताने को आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर एक साउंड मुझे बहुत प्यारी लगती थी जो पुंग पुंग करके आती थी, ये वाली। अब भाई अभी भी भाई मतलब टोन है जो कि बहुत ज़्यादा ओपी लगती है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और इसको करते हैं। अबे भाई लोड गेम कहाँ से करेंगे, न्यू गेम करते हैं। आहा वाह, तो अपनी पूरी होमीज वाली फील आ चुकी है और मेरे पीछे ट्रेन भी आ चुकी है जो कि पता नहीं क्यों आ जाती है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ तो मेरे पीछे ट्रेन आ जाती है और इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब भाई सीजिए कॉल जेसन, भाई साहब इतने दिनों बाद, मतलब क्या बताऊँ, पीसी में मैं कितने दिनों बाद इसको देख रहा हूँ, क्या ही बताऊँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था आप लोगों से कि क्या करें, GTA 5 भी शुरू कर दे क्या इसी के साथ? GTA ट्रायलॉजी का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ GTA 5 को भी कंटिन्यू करें। अगर देखो नॉर्मल मिशन देखना चाहते हो GTA 5 के तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम मोड वोड लगा के, बस छोड़ो भी बाद में बताऊँगा, पहले यहाँ पर। ओके भाई यार, भाई वही सीन, मतलब ये सीन जो है हम लोग शुरुआत में क्या करते थे कि शुरुआत में इसको हम नहीं देखते थे, सीधा चले जाते थे गेम के अंदर और गेम मस्त मिशन मिशन कंप्लीट करते थे, गाड़ी वाड़ी चलाते थे, बहुत मज़ा आती थी। आप लोगों ने लास्ट टाइम ये गेम कब खेला था और पहली बार ज़िंदगी में कब खेला था भाई, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर थोड़े से जो मुझे कलर लग रहे हैं भाई, थोड़े से शेडोज हाई हैं तो इसको मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा। अभी गेम खेलने के बाद जाऊँगा सेटिंग में, तब देखता हूँ यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। अब इन्होंने इन्हेंस किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, बाकी चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह ठीक है, अभी मैंने कुछ इसमें सेटिंग में सॉरी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो शायद जब इसको चेंज करें तो और भी ज़्यादा तगड़े हो जाएँ ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भी है भाई, पीछे की डिटेलिंग और सारी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है। आप लोग वॉल्यूम को थोड़ा हाई करके और जो वीडियो क्वालिटी है उसको भी थोड़ा हाई करके देखना, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगी। पर यहाँ पर हमें पुलिस ने पकड़ लिया फिर से एक बार, सिटी के अंदर आते ही 5 साल बाद हम अपनी सिटी में वापस आए थे और आते ही हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तो फाइनली इस बारे में आपको स्टोरी भी समझाते हुए चलूँगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। और भाई जो पीछे का म्यूजिक वगैरह है ना, बहुत तगड़ा। और भाई इसमें इन्होंने लाइटिंग वगैरह थोड़ी सी चेंज की है, देख रहे हो आपको थोड़ा पिंकिश पिंकिश लुक आ रहा होगा पीछे से, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा ओपी सा लग रहा है। और भाई LSPD, अरे यार LSPD की भाई ऐसी बात कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हाँ एक चीज़ देखो, ये पहला इंट्रो है तो इसको हम थोड़ा सा इसको मतलब जो है इसको हम नहीं स्किप करने वाले। अगर आप लोग चाहते हो कि आगे के जो भी स्टोरीज की जो भी चीज़ें हैं वो आप स्किप कर दिया करो तो वो आप नीचे कमेंट करके बता देना, तो उसको हम स्किप कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पर आ चुकी है हमारी ट्रेन और भाई इस ट्रेन को भी क्या बताएं यार, यहाँ पर कितनी सारी यादें भाई, सबको हम जीने वाले हैं दोबारा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और आगे एक तगड़ा सा सीन आता है भाई जो कि मुझे काफ़ी देर से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो सीन देख के ना मुझे मज़ा सी आ जाती है। यहाँ पर इसको कुत्तों की तरह फेंक देते हैं शायद, ऐसा ही तो सीन है यहाँ पर
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया भाई इसको खेले हुए, और देख सकते यार क्या ही मतलब इन्हेंसमेंट हुई है इस गेम के अंदर। और यहाँ पर इसको शायद कुत्ते की तरह फेंक के निकल जाते हैं। लेट्स हाँ ओ शिट नॉट अगेन, भाई ये डायलॉग तो मुझे बहुत तगड़े से याद है। ओके चलो शुरू करते हैं सीजे यानी कॉल चेसर, इसी डायलॉग में बात कर रहा था भाई। बस बोले बोले Now I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Okay, बोल लिया, निकाल लिया अपने गुस्सा। 5 साल बाद इस दुनिया के सबसे घटिया जगह पे आ चुका है ये इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी इस लीजेंडरी साइकिल को उठाएंगे भाई, जिसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मैंने पहला गेम खेला था ऐसा जिसमें आपको साइकिल चलाने को मिलती है, और इस साइकिल को चला के हमें इतनी मज़ा आती थी कि हम आपको क्या ही बताएं। तो फाइनली चलते हैं थोड़ा सा इसी साइकिल से सीजे के जो भी सीजे वाला ऑप्शन आ रहा है उसके पास तक चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है वहाँ पे। और यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ, वरना अगर पीछे से ट्रेन आ गई भाई कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ओपी है यार इसकी। मतलब फ़ोन के खेल खेल के इतना मूड गंदी बात का पोस्टर लगा है सामने भाई ऐसा नहीं है, कुछ और ही है वो, उन्होंने पेंट वेंट कर रखा है कुछ अपनी जो भी होता ना इस पर पेंट वगैरह। और चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं आखिर पहला मिशन कौन सा होने वाला है भाई। कुछ साइकिल वाइकिल से ही रिलेटेड है। अरे वाह ये डिस्प्रेक वाली साइकिल बहुत ज़्यादा ओपी है भाई। और हम आ चुके हैं अपने होमीज वाले इलाके में भाई, अभी तो यहाँ गैंग बनेंगी फिर यहाँ पर गैंग वार होगी। और हर बारी मैं रास्ता भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ भाई। वाह अच्छा हुआ मेरी साइकिल मजबूत थी और मेरी टांगे भी मजबूत थी तो हम इजीली लैंड कर गए हैं। ऐसा एक टनल आपको GTA 5 के अंदर भी देखने को मिलती है तो हाँ देखा At least it was before I fucked everything. मैंने कहा था ना गुरु स्ट्रीट मतलब होम। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे, और मेरे घर पे जाने का रास्ता किधर से है रे बाबा, मुझे अपने घर का ही रास्ता नहीं मालूम। तो मैं कहाँ को जाएगा क्या करेगा अपने इस जीवन में। और यहाँ पर एक सड़ी हुई गाड़ी खड़ी है, इसको छोड़ते हैं। अबे भाई मेरे घर का रास्ता बता देगा कोई मेरे को, अंदर एक अभी मेरा दोस्त मिलेगा जो मुझे चूतिया बोलेगा। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ होने वाला है अंदर की ओर। रुक जा डिस्प्रेक लगा के साइकिल को यहीं पे पार्क कर दो और अंदर चलो सीधा। बिग स्मोक मोटा सांड, बहुत दिनों बाद कैसे है मेरे दोस्त। पहले तो गर्माएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ सीन तगड़ा हो चुका था, और इसको यहाँ पे आते ही यार कुछ होता है यहाँ पे, मुझे स्टोरी अभी क्लियर नहीं है। शायद इसकी मॉम की डेथ हो जाती है या कुछ ऐसा ही सीन रहता है। ओके 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 या इसका भाई वगैरह रहता है भाई कुछ, मुझे अभी मतलब हाँ सही कह रहे हो भाई, इसकी मॉम की डेथ वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से ये यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जब ये 5 साल बाद यहाँ आया है तो वही सारी चीज़ें इसको फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। और मेरे पीछे फिर से ट्रेन आ चुकी है, लेकिन उस ट्रेन को करते हैं इग्नोर और कहानी की तरफ करते हैं कॉन्सनट्रेट। और अब भी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अरे था तेरी माना ने कुत्ते बड़े शांत हो जा शांत सीजे फक ऑफ सीजे। Oh my God! Yeah, मैं कह रहा था भाई full two homies वाला game है, homies वाला game है भाई। मतलब इसको आप खेल कम सकते हो feel ज़्यादा कर सकते हो, बस इतना समझ लो। और इसको हम feel करने वाले हैं, इसको हम जीने वाले हैं इस पूरी series के अंदर। तो यहाँ पर इस मोटे से ज़रा बातचीत करते हैं भाई। मोटे कैसे है, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, और तेरा भाई भाई सुना भाग गया है कहीं। और वट फकिंग बुक नॉट फकिंग बडी, प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर लैंग्वेज, इट्स अ फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट चैनल, ओके ट्राई टू मेंटेन इट। और इसी के साथ ये दोनों भाई शेडोज, ओके 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 मेरे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे झुका हुआ था धरती में। Why not? रेडियो मत बजाना साले, रेडियो मत बजाना भाई। क्या ही मतलब ऐसा लग रहा जैसे भाई क्या चल रहा है यार, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन कब से हो गया। अच्छा ओके 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 आहा वाह वाह Can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Okay. By the way, कहानी थोड़ा सा मैं enjoy कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर शांत रह के कहानी देखो, मज़ा आएगी। जैसे मैं देख रहा हूँ भाई, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इतने दिनों बाद देख रहा हूँ तो मज़ा भी बहुत ज़्यादा।
At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl won't tell me shit. As long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit, not again. बहुत सही. What you mean? अबे भाई यहाँ पे तगड़ी वाली बेइज्जती हो रही थी और देखते हैं अबे कहानी शुरू हो गई आखिर की क्या नौटंकी चल रही यहाँ पे. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions. Okay. तो यहाँ पर स्वीट और बिग स्मोक हमारे पीछे खड़े हुए और देखते हैं आखिर यहाँ पर हमारी गैंग, मतलब गैंग तो अभी क्या ही कहें इसको, अभी तो सिर्फ शुरुआत है और आप लोग जानते ही हो कि ये गेम किस लेवल पे जाने वाला है आगे. आहा आहा शुरू गैंग हुआ. चलो 1 2 3 जय भद्रकाली. देखो उठाओ साइकिल उठाओ अपनी. मुझे लगा था गोली चलाने को मिलेगा यार, साइकिल उठाने चले गए. ओके फॉलो माय लीड. अभी देखना स्टंट मारूंगा मैं. स्टंट कैसे मारते हैं इसमें. अबे रुक रुक रुक. अबे 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 अबे, अबे मोटे आराम से. आर एस लगाते हैं. अबे टू फार फ्रॉम द स्वीट. अबे मैं इस मोटे से खिलवाड़ कर रहा था और स्वीट बहुत आगे जा चुका है भाई. मुझे लगा यही सबसे आगे है मोटे. अबे मोटा भाग रहा है यार, खड़े होके चला रहा भाई. मैं रुक जा मोटे, मैं भी चलाऊंगा. कैसे चलाते हैं. अबे रुक रुक. अबे गोली मारता है बे. अबे भाई भागो, खड़े होके नहीं चलाना. तू जा साले. बहुत खेला मैंने, मुझे पता चकमा कैसे देना है. मुझे मत सिखा. और यहाँ पर मेरे छाती पे गोली है. अबे भाई फिर आ गया ये लाल वाली गाड़ी लेके. अबे भाई साइकिल का पीछा कर रहा कार से. बताओ क्या बताएं यार, क्या ज़िंदगी है अपनी भाई. अभी अभी आए हैं हम इस गेम के अंदर और यहाँ पर क्या कुछ बकवास होने लगा. अरे रुक जा. अभी एक गड्ढा मिलेगा, उसमें घुस जाऊँगा मैं, फिर तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा. अबे मोटे तू हट, तू मुझसे क्यों रेस लगा रहा. तो अबे भाई ये कैसे चला रहा थे. हाँ फिर गाली दे दी यार इसने. भाई मैं कह रहा हूँ फैमिली फ्रेंडली चैनल है, मत गरियाओ. लेकिन ये सुनते ही नहीं है यार. अरे मैं गरियाना शुरू करूँगा तो फिर कहोगे कि बुरा लग रहा है भाई, यूट्यूब येलो डॉलर कर देगा. और यहाँ पर अंधेरा आ चुका है और इसको लेके चलते हैं बहुत तेज़ी में. इस बारी मैं इसको पीछे छोड़ूंगा. हट जाओ. अरे चूतिए साले, पैदल चलते हो रोड पे, शर्म नहीं आती. देख रहे हो यहाँ गोली चल रही. अबे हमारी साइकिल लाओ यार. अबे भाई माउस ही नहीं काम कर रहा यार. ओके इसको हम थोड़ा सा देखेंगे भी, इसकी सेंसिटिविटी वगैरह सही करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा तो फिर. अबे हटो बे, तुम तो और सुअर हो. ओके तो मैं चलना होगा बहुत तेज़ी में, वरना ये गेम हम स्टार्टिंग होते ही हार जाएंगे. और ओके यहाँ पर साइकिल की भी किस्मत ही मेरी बेकार है. आई एम अ नूब दोस्तों, मैं बहुत बड़ा नूब हो चुका हूँ और अभी मैं पीरो बनूंगा आपके सामने ही फिर से. और इस बारी मैं इसको कहीं नहीं ठोकूंगा. ये मेरा, अबे हटो यार बकवास नहीं. ये इस बारी हम बाइक से रेस लगाएंगे. धूम मचा ले. दो तो पहले रुक गया, शायद उसका सिग्नल वगैरह रेड वेड था, ऐसा कुछ सीन था. अबे यहाँ रास्ता है. चढ़ जा. नहीं चढ़ पा रही. ओके रुको, कोई और रास्ते से लेके चलेंगे इसको. इसमें 10वां गियर डाल के और बहुत तेज़ी में. भाई यार सारे लोग कहाँ चले गए पता ही नहीं चला भाई, हम कब इतना पीछे रह गए कि. ओके चलो खैर, हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से भी हमें शायद नीचे की तरफ वो दिख गया. मुझे लगा कि शायद ये गेम हम लॉस्ट कर जाए, बट अबे भाई तुम्हारा भाई बासु भाई जब तक गेम खेलेगा तब तक कुछ भी ऐसा. ये देखो क्या कर रहा मोटा, फिर हमारा इंतज़ार कर रहा था और शायद फिर गोलियां चलना स्टार्ट हो चुकी हैं. तुम्हारे चलते बहुत तेज़ी में इसको लेके. अबे मोटे सही चला ले, बस क्या बताऊँ मैं, कुछ भी निकल जाएगा तो फिर. और फिर से हम घूम फिर के आ चुके हैं अपनी स्ट्रीट पर. तो हम वहाँ इतनी दूर गए थे गोलियाँ खाने, और उसके बाद गोलियाँ खाने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने घर. और इस मोटे से मेरे, अबे तेरी भैंस की आँख भाई, कट्टा ला. ए मोटे राइफल ला तू. अरे मोटे के चक्कर में हम मर जाएंगे, हमको लग रहा भाई. चुपचाप चलते हैं यार, अपना कोई इज्जत नहीं है इस गेम के अंदर. अभी तो हम बस ऐसे ही नूब हैं. चलो यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर, कट्टा अट्टा का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद इनको पेलने चलेंगे. ठीक है, सही रहेगा ना. ओहो वाह 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 वाह
भाई साहब इसकी कितनी चीजें जो है, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं यार, इसकी जो मतलब वॉइस की दी है जिसने बहुत ज्यादा ओपी दी है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुन के। और यहाँ पर हमारा वो देखो भाई स्वीट अपना मस्त मजे कर रहा साइकिल से, मतलब साइकिल से स्टंट करके। और वही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा भाई, ये गेम जो है ना वो बहुत ज्यादा ओपी है और बहुत ज्यादा चीजें आपको याद दिलाने वाली है, और याद दिलाने वाले हैं आपके बचपन का, अगर आपने बचपन में खेला है तो। फाइनली यहाँ हमें अपना घर मिल चुका है, तो फाइनली चलते हैं घर के अंदर। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि इसको हम कंटिन्यू करें बहुत तगड़े स्टाइल में, तो आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक और 200 कमेंट करवा देना इसके अगले पार्ट के लिए। और यहाँ पर मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है रिस्पेक्ट के साथ। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक मिनट को अभी मत जाना है ना, रुक जाओ एक बार घर के अंदर ही चल लेते हैं और उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतने दिनों बाद अगर आप इसको देख रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको देखकर, और आपने ये सब कब खेला था भाई, और क्या यादें हैं आपकी इसके साथ, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई यहाँ पर गेम को कर लेते हैं सेव, और डू यू वॉन्ट टू विश टू सेव, ओके मैं सेव कर लेता हूँ वरना फिर से मुझे खेलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।